नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हो चुकी है हमारे दिन की शुरुआत। और अभी अभी मैं सो के उठी हूँ, सिर्फ झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है और बना के लाई हूँ गर्मा गर्म चाय, तो इसको एंजॉय कर रही हूँ मैं। और हमारे पति देव जी हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं बिस्कुट भी लाया हूँ। फेरी देखो ना, फेरी फेरी मीठा नहीं खाती है, फेरी ना गंदी चीज ऐसे नहीं खाते ना। फेरी हमारी यार है और अभी ना मैं राजा से मिल के आई हूँ, तो अभी आपको भी मिलवाऊंगी। तो पहले पी लेते हैं हम फटाफट से चाय। मिलवाती हूँ राजा से। राजा सो रहा है, निन्नी आई, रात भर क्या कर रहा था, जग रहा था, रात भर पहरेदारी कर रहा था ये, उसको ना बहुत तेज नींद आ रही है। और आज जब मैं सुबह आई थी ना, तो मैंने देखा इसकी आंख में ना कुछ हो रखा है, शायद मधुमक्खी ने काटा या जो भी हुआ, पता नहीं क्या हुआ, तो वो भी देखना पड़ेगा। और आज इन दोनों को नहलाना भी है, बहुत दिन हो गए इनको नहलाए हुए, टिक विक ना हो जाए। वैसे भी समर स्टार्ट हो गए तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और ना इनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हद से ज़्यादा। दोनों को तो हम नारियल तेल लगा देते हैं, तो इसके बाद नहलाते हैं, तो उससे बाल नहीं झड़ते। ये ना लगवाता नहीं है, डर लगता है इसको लगाने में, और ना उसको ज़बरदस्ती कुछ करो तो ये काटने को आता है। अब इसके बाल झड़ना कैसे बंद होंगे, सबसे ज़्यादा इसी के टूट रहे हैं, ये करना है। और ना घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। इसके अलावा देखिए, ये लाई थी मैं पॉर्चुला का, मैंने आपको दिखाई थे, तो बड़ा बड़ा फूल आ रहा है। तो इन सब में, इन सबको लगाना है। और इनमें पन्नी में छेद रहता है तो पानी भी नहीं रहता, तो इनमें पानी भी देना है। बाकी काम तो सब निपट गए घर के, ये रह गया है ये छोटे मोटे। तो पहले देखती हूँ राजा को नहला दो। पर एक चीज़ सुन लो आप, पता क्या, मुंह बांध के नहलाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि चार बार वार हो चुके हैं और हर बार ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बार ठीक ही होगा, कभी कुछ गलत भी हो सकता है। मुंह वाला देख के तब। राजा तो उठ गया है, ये देखो इसकी आंख में ना ये हो रखा है। बच्चे इधर आओ। आई मी लल्ला जब वे तक डर भी लगता है यार, तूने डरा दिया चार बार। बच्चे आज तो तेरा नहाने का नंबर है, ज़्यादा तो है नहीं, बस थोड़ी आँख में कुछ है इसके। हीरो हीरो हीरो, ये नहीं बदमानेगा, नाना नहीं है क्या, ये नहीं बदमानेगा, नाना नहीं है, अब मत करो, मैं बता रहा काट लेगा, ये भी लग रहा है हीरो। नहला दो प्यार से, नहला ना, आंख में मत लगा ना, अभी तो प्यार से ही नहा रहा है। हाँ पानी डालो, सही हो जाएगा, पानी डालो। सब कह रहे थे कि राजा को हम गोद ले लेते हैं। भाई गोद तो ले लोगे, पर इसे संभालना बहुत मुश्किल है, पर हम देंगे भी नहीं किसी को। हो रहे हैं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, फिर भी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ना कई बार बार हो चुके हैं, तो सेफ्टी जरूरी है। मैं ना इससे डर लगना बंद हो गया था, लेकिन जैसे ही उस दिन वो करा ना, उसके बाद फिर से डर लग गया। राजा मेरा बेटा, गाना सुना के तो नहीं करेगा। राजा बेटा, ओल्ली मेरा राजा बेटा, भाग जाएगा। बस दोस्तों, नहा तो ये लिया, लेकिन अगर इसकी कंटो हलगी ना भी तो बस। अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो ठीक है। हम दोनों को ना सांस में सांस आया कि आज कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। चलो उतार दो इसको। देखो भाई इसको देखो। अब नहीं पोछने देगा ये, अब नहीं पोछने देगा, अब इसको ऐसे छोड़ दो। नहीं, इसे मस्ती सूझ रही है, ठंड लग रही है ना, देखो देखो इसकी नौटंकी देख लो। नहलाया नहलाया, ये ऊपर छत में भाग गया। चल इसमें बैठ, रुक जा, अभी रुक जा, रुक जा भाई, शांति रख। राजा तो यहाँ पे अभी धूप में सुखा रहे ताकि गंदा ना हो, और फूल ना इतने प्यारे खिल के आए हैं, ये देखिए। और मैं सोच रही हूँ मैं इनको कैसे दिखाऊं दूसरे वाले चैनल पर, दो वीडियो तो बना चुकी हूँ, बल्कि मैंने डाले नहीं है, कल देर हो गई थी, कल कोई आ गया था, तो जैसे ही डालने को हुआ वो डाल ही नहीं पाई। तो देखिए फूल कितने प्यारे खिल रहे हैं भाई, मेरा मन ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। सबसे प्यारा तो मुझे आज ये लग रहा है, ये देखो इतना प्यारा गुलाब,
बस तो जब भी मैं नर्सरी जाती हूँ ना तो अलग अलग तरीके के देखती हूँ कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं, और ये स्टैंडर्ड तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि नीचे से बिल्कुल खाली है और ऊपर एक ट्री जैसा हो जाता है, देखना मिनिएचर बटन रोज ये सारे। और ये देखिए कल तक ये खिले नहीं थे, यहाँ देखो। और एक ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा है, और मैंने ना इसकी गुलाब की कटिंग इस वाले प्लांट की लगाई है क्योंकि ये मुझे चाहिए था, बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो दूसरे वाले चैनल पर आज एक वीडियो आएगा, उसके बाद आएगा ये वाला, देखना कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। ये देखिए चलो उसको भी नहलाना है तो अब जाते हैं नीचे। और वैसे तो पूरे गार्डन में बाहर आई हुई है, देखिए मॉर्निंग ग्लोरी बेबी, ये देखिए। तो धीरे धीरे करके ना मैं वीडियो लेके आऊँगी, बहुत सारे टॉपिक है बहुत सारे, तो जल्दी से कवर भी नहीं हो पाते, तो घर के काम आ जाते हैं तो उस वजह से भी नहीं बन पाता है। पिटूनिया देखिए ख़राब हो गए थे और मैंने इसको फिर से सही कर लिया, ये देखिए। और अब तक पिटूनिया कैसे चल रही है ना, निकल के आ गई है, हम छत में गए ना। हाँ बच्चा अब नहीं घुसना, चिज्जी दे दूंगी, कब्जे में लेना है इसको। आ इधर आ, आ आ जा। और ये तो आ गई पकड़ में, अब इसकी है बारी, ले जाओ इसे नहीं तो भाग जाएगी ये। आ जाओ आ जाओ, अब है फेरे का नंबर, फेरे का, देखना देखना इसको पता लग गया, फेरे मार खाएगी, फिर करता भी ऐसे नहाने में। लो लो लो, पहले बाद में साफ कर देंगे। लो इसका कांपना आप देखना, तो थर थर कांपती है। फेरी को देखना, ये देखो, ये देखो थर 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 कांप रही है। इसको भाई जल्दी नहला दो, ये नाजुक है, पानी में डालने के बाद फिर भी नाजुक है, ज्यादा ही नाजुक है, मेरे को इसको लिए डर लगता है, वो तो मजबूत है। नहा ले बच्चा नहा ले, तो हमारी फेरे भी नाली है बच्ची। रुको तो, अरे रुक, ये तो है ही नकड़ेली भाई, बैठ पे चुकाऊंगी, चल बैठ पे आ जाएगी ये तो, चलो चल चल, रुक जा रुक, यहीं से कूद जाएगी नहीं तो यार। बस अब इसका घूमर डांस चालू हो जाएगा। ये लो जी, ये लो, ये लो, ये सब बर्बाद करके रहेगी। चल भाई चल, शांति तो रख ले, ला मैं पोछूं। और ये ना पोछने नहीं देती अपने आप को, और इसको ना ऐसे ही अच्छा लगता है। दरवाजा मैंने बंद किया हुआ है ताकि ये गंदी ना हो। देख लो भाई फेरी को देख लो, बस खुश। तो इन सब ने तो नहा लिया, अब है हमारी बारी, थोड़े बहुत काम निपटाती हूँ जो भी घर के हैं फटाफट से। तो लो जी नहा के हम रेडी हो चुके हैं, और जितने भी काम थे वो सारे निपट चुके हैं, बस ये कपड़े फैलाना बाकी रह गया है, तो फटाफट से इनको फैलाती हूँ। और धूप कितनी प्यारी लग रही है, मौसम और मेरे फूल, मेरा मन कर रहा है यहीं पे रह जाओ, पर गर्मी हो रही है इस वजह से नहीं रह पा रही हूँ, तो फैलाती हूँ कपड़े। पकड़ो फोन दिखाना भी तो है उनको कैसे करते होंगे जो डेली व्लॉगिंग करते हैं ना, एक हाथ में कैमरा भी और सारा काम भी, सैल्यूट है उन सबको व्लॉगिंग करने वाले को, वही तो बहुत मेहनत करते हैं, समझते हैं उतनी होती नहीं है मेहनत है भाई, वही तो। फूल आज और भी अच्छे हो रखे हैं जी, तो। मेरा मन कर रहा है यहीं बैठ जाऊं बस। वो हमने वो बनाया था ना रसोई, वो हटानी नहीं चाहिए थी, उसमें नीचे बैठते गर्मी में अच्छा लगता। हाँ हटा दी, पर क्या करें, ये देख शेर कैसे बैठे दोनों आके, धूप चाहिए थोड़ी देर, बताऊं क्यों थोड़ी देर, इनको ना आज नहाए भी हैं, बगले की तरह निकल रहे भाई, कोई से को कोई तकलीफ तो नहीं है, राजा की आंख में हो रहा कुछ, क्या हुआ राजा? अरे इनको ना मैंने नहाने से पहले ही खाना बना के दे दिया। अच्छा आंख में क्या हुआ बेटा? हाँ कुछ ना कुछ है दिक्कत भाई, कम खोल रहा है, मिचरी मिचरी कर रहा है एक एक ऐसे ऐसे। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, पहले से आटा गून के रख लिया, और आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज। तो ये थोड़ा मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, आलू गोभी मटर बीन गाजर शिमला मिर्च, तो आज हम इसकी मिक्स वेज सब्जी बनाएंगे। और फिर यार राजा को दे ही दिया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाने की। हमारा गर्म हो चुका है, तो उसमें डालते हैं जीरा, और
इलायची बड़ी वाली और थोड़ी सी हींग। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तो हमारा पक रहा है और मैंने पेस्ट बना लिया था, इसी में प्याज है, 3 प्याज है, 4 टमाटर है, लहसुन अदरक, अदरक नहीं अदरक इसको डाल देते हैं हम इसमें। गैस को कर दिया धीमा और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और इसी टाइम मैं डालूंगी इसमें हल्दी और इसके अलावा गरम मसाला, गरम मसाला मैं बाद में नहीं डालती हूँ, मुझे टेस्ट कच्चा कच्चा लगता है। और मिर्ची, मिर्ची हम बहुत खाते हैं। और आप बताना आप सब कैसे बनाते हो, मैं तो ऐसे बनाती हूँ। और थोड़ी सी कसूरी मेथी और नमक, टेस्टी बनती है भाई ऐसे भी। तो फटाफट से इसको मिला देते हैं अच्छे से और तब तक पकाऊंगी जब तक ये बिल्कुल तेल और ये अलग नहीं हो जाते। तो मसाला देखिए हमारा बहुत बढ़िया तरीके से भुन चुका है और हल्का हल्का तेल भी छोड़ दिया है, मैंने ज़्यादा नहीं डाला था तेल, ये देखिए। और जो सब्जियां मैंने फ्राई करी थी, ये देखिए आलू, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, बीन, गोभी, इन सबको डाल देते हैं अच्छे से। अब इनको मिला देती हूँ, बढ़िया तरीके से इन्हें मिलाना है। और इनको भी मैं थोड़ी देर तक भूनूंगी ताकि इसमें कोटिंग हो जाए मसाले की, तब सब्जी हमारी सौंधी सौंधी बनती है, टेस्ट बढ़िया वाला आता है। तो अच्छे तरीके से भुन चुका है और आप चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो खानी है चावल के साथ, तो थोड़ा पानी डालेंगे। और अदरवाइज ऐसी भी बनाएं, बहुत टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा, और इसमें पनीर वगैरह ऐड हो तो बहुत ज़्यादा। तो हमें चावल से खाने हैं तो पानी मिला देते हैं थोड़ा, चावल बिना तो भाई दिन में मेरा मन नहीं लगता और इसको अब पका लेते हैं तो बढ़िया तरीके से ये पक जाएगी। वैसे तो थोड़ा हमने सब चीज़ को सैलो फ्राई किया हुआ था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसको पका देती हूँ मैं आज। ये मस्त वाली हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब तक सब्जी पक रही है रोटियां बना लेती हूँ फटाफट से। तो हमारी सब्जी हो चुकी है तैयार, ये देखिए मस्त वाली मिक्स वेज। दोस्तों पतिदेव की थाली लगा देते हैं, लो जी चावल तो बाद में लोगे ना? हाँ बाद में लूंगा बाबू। लो जी क्या बात है, लो जी लो जी, थैंक यू साहब, खाओ भाई सभी लोग, आगे बताओ कैसी बनी। अरे रुक तो जाओ भाई, टेस्ट तो कर लेने दो। सही है हाँ, बस जुलम ही हो रहे बस, बस फिर ठीक है जुलम निकल गया इसका मतलब ठीक है। तो अब खा लेते हैं हम खाना, खाना पीना तो हो गया और मैं राजा को देखने आई थी क्या कर रहा है, इन सबका भी खाना पीना हो गया तो अब मस्ती से सो रहे हैं। नी 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 आई फेरी, चलो तुम भी सोने चलो। और इस एक चीज़ और करी थी, ये तो कल लेके आई थी मैं पोचुरा का, ये ना पानी बिना ख़राब हो रहे थे तो तसले में पानी भर के ऐसे रख दिया है, ऐसे प्लांट बचे रहते हैं तो नर्सरी से लाने के बाद मैं इसी तरीके से रख देती हूँ, तसले में पानी भर देती हूँ और फिर ये एक दो दिन बाद हम लगा सकते हैं। क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ, हाँ बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, ये पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो। और कितनी प्यारी लग रही है बगुली, बगुली चलो अंदर निन्नी करने, चलो आओ, चलो आ जाओ 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 आ जाओ, राजा को बोलो सो जाओ, चलो 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 निन्नी करने, चलो चलो भाई चलो चलो भाई चलो चलो अंदर चलो चलो अंदर चलो 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 निन्नी कर लो, चलो के चलो निन्नी करो, ऊपर बैठो ऊपर ऊपर ऊपर, चलो बैठो ऊपर, फिर नाराज है क्या मेरे से, क्या हुआ बच्चे क्या हुआ बताओ, हाँ बताओ बताओ भाई बताओ बताओ, ओले 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 भाई क्या हो गया, नीनी नहीं आई है, ये बताओ क्या कह रही, ये कह रही है कि मुझे चिज्जी दे दो, अब तो नाम सुन लिया अब तो बस, नो चिज्जी नो, ये कुछ नहीं होता, चुपचाप बैठ जा चल सो जा, ये इसकी गद्दी लग गई है तकिया, इसके ऊपर सोएगी है, खेतान पंखा चला रही है अभी फेरिया मांग रही है ट्रीट और वो कर रहे हैं मना, और मेरे पे देखा नहीं जा रहा इसको,
क्या करूं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ज्यादा हो जाएगी भी नुकसान ना दे। आज तो दी नहीं, सुबह नहीं दी। हाँ दे देते हो बच्चा। तुम शकल देख के आप बोल रहे मत दे, मेरे तो नहीं रह जाएगा। ले ले भाई तू ले ले। इसको ये ट्रीट इतनी पसंद है ना, इसके लिए कुछ भी कर सकती है। देख रहे उसके ड्रामे, सुबह से ये दूसरी खा रही है। हेलो करो, हाई फाई करो, जंप करो, ये देख लो जंप भाई। ले नहीं तो तेरे को ऐसी ज्यादा हो गया। ले 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 गई। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और अब करती हूँ मैं दो गार्डन वाली वीडियो, मुझे एडिट करनी है और इसको भी थोड़ा बहुत जोड़ लूंगी। तो अब वही करती हूँ। आज तो बिल्कुल भी आराम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आज मैंने रेस्ट कर लिया तो वो वीडियो नहीं आ पाएगी। तो फटाफट से जोड़ती हूँ और अभी बज रहे हैं लगभग 5-6 बजे तक मेरा वो निपट जाएगा, तो फटाफट से उस काम को निपटाती हूँ। आगे खा के अभी बच चुके हैं 5:30। मैं आ गई हूँ छत पर और वीडियो मैंने एक जोड़ ली है जो कि आज ही आ जाएगी रात को 8 या 8:30 बजे। और ये व्लॉग तो वैसे कल आएगा, तो आप वो तो पहले ही आ चुकी होगी। तो कपड़े उठा लेती हूँ मैं जो भी हैं। और राजा की ना इतनी ज़्यादा शेडिंग हो रही है, ये देखो, ये देखिए बाल कितने झड़ रहे हैं, और शायद इस मौसम में झड़ते ही हैं। तो कपड़े उठाती हूँ, यहाँ पर पानी वगैरह देती हूँ गुलाब में और जितने भी प्लांट है, क्योंकि आजकल तो डेली देना पड़ रहा है। और आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपने व्लॉग इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।